हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नीट यूजी काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी की न्यूज़ क्या रहने वाली है और दोस्तों आपके लिए क्या प्रेजेंट न्यूज़ है वो आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, जितने मेरे फ्रेंड चैनल को नए देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे MBBS के रिगार्डिंग, नीट UG काउंसलिंग के रिगार्डिंग और आने वाले एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, उन सभी बातों की जानकारी दोस्तों चैनल पर दी जाएगी। अब दोस्तों आपको बता दिया जाए कि जो स्टेट काउंसलिंग है, कई बार स्टेट काउंसलिंग के जो फिजिकल प्रेजेंट की जो मोब राउंड में फिजिकली प्रेजेंट हो जाने का, जैसे कि उत्तराखंड छत्तीसगढ़ ऐसे चल रहा है, तो ऐसे ही दोस्तों आपके स्ट्रे वैकेंसी की जब बात आएगी, जो दोस्तों मोपअप राउंड के बाद जो स्ट्रे वैकेंसी आने वाला है उसकी सीट मैट्रिक्स अभी तक दोस्तों जारी नहीं हुई है। जब पता नहीं है हमें कि नंबर ऑफ सीट कितनी है सीट मैट्रिक्स के अंदर, नंबर ऑफ सीट पता चलते ही दोस्तों आपको जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है दोस्तों वो आपका प्रोसेस में आ जाएगा। सीट जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसका दोस्तों सब कुछ आपका ऑनलाइन होने वाला है और ऑनलाइन दोस्तों आपको घर बैठे ही करना है, उसके बाद सीधा जाकर एडमिशन ले लेना है। तो दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलने वाला है स्ट्रे वैकेंसी में, सिर्फ आपको अपना कट ऑफ पर थोड़ा ध्यान देना होगा और कट ऑफ क्या रहने वाली है स्ट्रे वैकेंसी की वो भी आपको दोस्तों जल्द बता दिया जाएगा। सिर्फ दोस्तों मोपअप राउंड की जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुका है, बस अब दोस्तों स्ट्रे वैकेंसी का जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज हो जाए, पता चल जाए कि कितने कॉलेज है, कहाँ पर सीट है, कहाँ है कॉलेज और किस शहर में, तो इन बातों से दोस्तों बहुत ही हेल्प मिल जाती है स्टूडेंट को। इसी के चलते दोस्तों आपको बता दिया जाए कि नीट की 2022 की हर एक अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।